राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राज्य सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही नियमों को सख्त कर दिया गया। ऐसे में अब एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार यदि दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यदि कोई बिना जरूरी काम के सड़क पर दिखाई देगा तो उसे मौके पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही सभी ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजारों को बंद रखा जाएगा। इस नई गाइडलाइन के जरिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद, ये बताते हैं। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूशन और पुस्तकालय बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। बड़ा फैसला शादियों को लेकर किया गया। शादी अब एक ही कार्यक्रम के तौर पर किया जाएगा। वहीं प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी रात 8 बजे तक होगी। राशन की दुकानों को बिना किसी अवकाश के खोला जाएगा। इसके लिए भी 3 घंटे और 31 लोगों को समारोह में रहने की अनुमति होगी। हालांकि इस 31 की संख्या में बैंड बाजे और केटरिंग के लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान में जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण के लिए आने जाने वाले लोगों को छूट होगी और वे सिर्फ टीकाकरण सेंटर तक आ जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र साथ रखना होगा। तो वहीं एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा करने के लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी होना जरूरी होगा। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की और पशु चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 तक खुलेंगी। तो वहीं डेयरी, फल सब्जियां और फूल मालाओं की दुकानें भी 11 बजे तक खुली होंगी। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10% से ज्यादा संक्रमण दर और 60% से ज्यादा ऑक्सीजन और ICU बेड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है। राजस्थान में वर्तमान पॉजिटिव दर लगभग 21% और कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन और ICU बेड का 90-95% तक का उपयोग हो रहा है। राज्य सरकार ने इन विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।